ready for exploring the underwater world who wants to scuba dive shall we start shall we start yes all right let's start 5 4 3 2 one. Hello. 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 Welcome, everyone. Welcome to your very own channel, Baiju Eight, And another Science 101 session. Session, buddy. Concept, uttarani. Masti hai. Maza hai. to And that's why we have a casual desk today. Right, yeah, Come on. Excited. Very good. Good evening. Namaste. Sashrigal. Wanna come and.

तो अंडर वाटर वर्ल्ड को लेके देर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस सो मच वी वांट टू लर्न अबाउट राइट सच बात है ना सच बात है ना है ना यस नमस्ते नमस्ते वी ओनली डिस्कवर्ड फाइव परसेंट रघु तमिल तेरा मेरे दोस्त थैंक यू शारदा ऑल राइट गाइज दैट्स व्हाई वी आर है विद दिस सेशन अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्कूबा डाइवर गुड इवनिंग हो यस यस हरसिमरन आई नो What are we learning today? आ uh, बाबरनब। I'll tell you. Don't worry. Welcome guys. Welcome. Welcome. <laughs> कितने दिनों बाद नहीं यार। कितने दिनों बाद कहाँ? हम तो मिलते रहते हैं। Yes Abzal. Of course. All right. All right. तो देखो भाई। Today we are here to talk about scuba diving. और a day in the life of a scuba diver. Scuba diver कौन होता है? Right? पूरे दो दिन इट्स ओके okay बच्चो आई ऑल्सो मिस यू अलॉट देखो ऐसी बात नहीं है हाँ कल मेरा सेशन नहीं था कोई फो फोमो ना हो किसी को इसलिए बुला लो दोस्तों को बुला लो गाइस लोगा इसमान कॉल ऑल योर फ्रेंड्स इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सेल देखा था कितने लोगों ने एक्सेल देखा था आई थिंक लास्ट वीक लास्ट संडे Oh, your father do this in Goa. Wow. Underwater, जो जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए यूर yes, लॉट so yeah, yeah? कुछ कुछ चीजें हैं जो आज हम एक्स्ट्रा सीखेंगे है yeah? ना कुछ बच्चों ने मिस कर दिया था कोई बात नहीं आज का सेशन तुम्हारे लिए राइट यस आकर्ष ऑल राइट पीपल ऑल राइट क्या बोलते हो चालू करें चालू करें एक्सप्लोरेशन है ना थोड़ा डाइविंग की जाए आज क्या बोलते हो हेलो हेलो लक्ष्य लाक्ष गाइज चालो कमान कमान स्टेडी ऑन कमान रेडी आई थिंक आई एम क्लियरली ऑडिबल क्लियरली विजिबल एक्साइटमेंट हाई है चालू करें डाइव करना चाहोगे क्या बोलते हो चालू करें जल्दी जल्दी कमार यस yes! मजा डबा अरे मैम का सेशन चल रहा है ऑल राइट right! नहीं सेशन नहीं चल रहा मैम चली गई घर आज जल्दी यू कैन स्विम इवन आई कैन स्विम डोंट वरी डोंट वरी उट स्कूबा डाइविंग स्विमिंग चाहिए कि नहीं चाहिए कितना डीप जा सकते हैं क्या प्रॉब्लम होता है क्या क्या नहीं करने का क्या क्या करने का वट इज साइंस भीज थिंग्स वी अकोइंग टू लर्न टूडे दिस से लॉट बिलीव मी जस्ट होल्ड ऑन लिसन कामली है ना मस्त इंट्रैक्ट करो सुनो देखो मजा आएगा ऑल राइट गाइज कोई नया है सब्सक्राइब कर दो किसी ने लाइक नहीं किया अब तक लाइक कर दो ऑल राइट लेट्स बिगिन छोटा सा छोटा सा अनाउंसमेंट जस्ट ऑन अ साइड लोट अनाउंसमेंट क्या है सब्सक्राइब कर दो भाई ठीक है इफ़ यू हैव डन ऑलरेडी मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज अकेडमिक्स तो कवर होते ही होते हैं ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम करते हैं क्यों केवल आई डोंट आई डोंट वॉन्ट टू से के, केवल किताबी लोग पसंद नहीं होते ना लोगों को है ना यू नीड टू बी हु नोज अ लॉड ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम बुक्स इसीलिए ये सेशन होते हैं है ना एवरी थिंग इज लर्निंग देखो ऐसा कुछ नहीं होगा नाच गाना नहीं होगा यहाँ पे डांस वांस नहीं होगा पढ़ाई तो होगी जो भी करेंगे पढ़ाई होगी हाँ पढ़ेंगे मस्ती करते करते दैट समथिंग विच आई कैन गारंटी यू ऑल राइट सो मेक श्योर यू ऑल राइट एंड नेक्स्ट टूडे बाय द वे अरे कैसा गया तुम्हारा लाइव वर्चुअल क्विज हाउ इज योर लाइफ वर्चुअल क्विज आ नाइस वन की वीडियो वेरी गुड गुड अमेजिंग मजा नहीं आया लाइटनिंग ड्रॉज क्यों सुपर अमेजिंग नाइस अच्छा आप नए हो हेलो सृष्टि वेलकम तो ये क्या है थर्टीए नवंबर को दोबारा होगा ये डोंट वरी कोई अगर मिस हो गया है मेक श्योर फॉर्म आप अपना नाम और एंट्रीज भेज दो विल मेक श्योर विल हैव अ लकी ड्रॉ और थर्टीएथ नवंबर वाला We are planning. We are trying to plan something big i won't reveal a lot acha kriti अच्छा called मैम कॉल ma'am koi मैम कोई बात नहीं Hello, yashas ठीक okay? है make sure you put your entries. अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है थर्टी नवंबर को दोबारा होगा ठीक है यू कैन पुट योर एंट्रीज डोंट worry. चलो भाई एक ग्लिम्स देखते हैं फोर्टी की हो गया ना थैंक यू सिमरन कोई बात नहीं कोई बात नहीं अरे नहीं भूले चलो कहानी चालू करते हैं थोड़ा अंडर वाटर वर्ल्ड से फाइंडिंग नीमो इतनी मूवीज बनी है लेकिन कितना सही लगता है ना अंडर वाटर वर्ल्ड इज समथिंग वी ऑल वांट टू एक्सप्लोर बट वी कांट मल्टीपल रीजन कौन करते हैं स्कूबा डाइवर्स करते हैं वॉट दे सी एकदम बढ़िया लगता है राइट यू सी अ लॉट ऑफ फिशेज गोवा जाते हैं तो गोवा के अंदर भी स्कूबा डाइविंग होती है अंडमान में भी होती है राइट बहुत जगह होती है लक्षद्वीप में होती है करेक्ट मन हम सबका है कितने लोग को कितने लोग का मन है एक्चुअली कभी ना कभी स्कूबा डाइविंग करने का जल्दी बताओ यस yes. है ना मन सबका है भाई मेरा तो बहुत मन है मैंने एक बार करी है बट मैंने गोवा में करी थी मेरे को उतना मजा नहीं आया था मैं सोच रहा हूं अगली बार थोड़ा अंडमान में करी जाए श yes, नहीं नहीं डेली में नहीं होता शार्क नहीं आती इस तरफ मुंबई में आकर शायद नहीं होती आई मेरे को तो नहीं पता कि होती है नहीं होती लेकिन हाँ गोवा में होती है ऑन मालदीव यस राइट बहुत डर लगता है हाँ तो क्या बोलते हो एटलीस्ट अभी हम कर नहीं सकते वर्चुअली तो कर सकते हैं है ना हम साथ मिलकर एक वर्चुअल स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं खुद को तैयार कर सकते हैं कि भाई क्या क्या होगा जब हम सच में जाएंगे राइट right? क्या बोलते हो लेट्स गो फॉर स्कूबा डाइविंग चले चले यस और राइट ओ यू लिव इन गोवा वेरी गुड सानवी ऑलराइट राइट कमान अच्छा ये बताओ स्कूबा का मतलब क्या होता है क्या लगता है ये वर्ड व्हाट इज दिस वर्ड स्कूबा इन स्कूबा डाइविंग व्हाई डू वी हैव सिंपल डाइविंग व्हाई डोंट वी कॉल इट है ना थैंक यू थैंक यू वैष्णवी राइट चलो स्कूबा वर्ड क्यों लगाया व्हाई डू वी हैव दिस स्कूबा अशोक सॉरी मलयरम आई नो अच्छा मुंबई में होती है सी आई एम नॉट श्योर मेंट लिख देना भाई पीपल वुड नो दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन यू कैन टेल एस इन द कमेंट सेक्शन ना अगर ठीक okay. है डीप वाटर ओके तुमको पता है स्कूबा हैज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मीनिंग स्कूबा एक एब्रीवेशन है स्कूबा का मतलब क्या होता है पता है स्कूबा स्कूबा मीन्स सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस स्कूबा इज अ प्रॉपर ऑपरेटस हर डाइविंग को स्कूबा डाइविंग नहीं बोलते है ना स्कूबा डाइविंग प्रॉपर डाइविंग को बोलते हैं जहां परुलर से आप लेके जाते हो तो सेल्फ कंटेन अंडर वॉटर ब्रीदिंग ऐपरेटस स्कूबा का एक स्पेशल मीनिंग है ठीक है राइट right? है ना करेक्ट ओके चलो अब एक और एक और क्वेश्चन तो देखा होगा सबने ना के जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो एक स्पेशल डाइविंग सूट पहनते हैं डाइविंग सूट देखा है कितने लोगों ने देखा जल्दी बताओ यस और माई गूगल फॉर्म इज देर नो इन द डिस्क्रिप्शन यस हाँ, यू कैन यू कैन आस्क दिस सृष्टि देखा हुआ है सबने है ना ठीक है अच्छा एक बात बताओ डाइविंग सूट किसको बोलते हैं केवल वो जो सूट है उसको बोलते हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है इन सबको मिला के सूट बोलते हैं वट डू यू थिंक वट इज द डाइविंग सूट हेयर इज इट द ब्लैक वाला सूट या फिर कंप्लीटली इट्स द डाइविंग सूट टू वॉक फ्रीली ओ नाइस हाई वेरी गुड फिश जैसे फीड भी है पिंस मिलाकर एवरीथिंग वेरी गुड द रीजन आई आस्क यू इज कि दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन सबको लगता है कि डाइविंग सूट होता है केवल वो ब्लैक वाला ना सब मिला के इफ यू इफ यू जस्ट टेक एवरीथिंग ना सारे गियर्स सारे ऑपरेटर्स एक साथ कर दोगे उसको बोलते हैं डाइविंग सूट ओके वेरी गुड अरे वाह ब्यूटिफुल आंसर गाइड ब्यूटिफुल बहुत अच्छे हाँ दिवा हो गया बस और आगे बढ़ेगा राइट तो ये ये पूरा गियर्स असेंबली दिस इज व्हाट वी कॉल एज डाइविंग सूट क्या क्या होता है इसके अंदर क्या -क्या, क्या, -क्या, क्या, -क्या, क्या, -क्या, क्या क्या होता है इसके अंदर गैस करो क्या क्या होता है Yes, you're right for breathing underwater. Yes. Mahi, it'll be live. Don't worry, don't worry. So I think today is Friday, you no? Know, from Monday onwards, it's coming to all of you. We have we have the word with the team. Taya very soon. 10th session to huga. be Uja. Some announcement will do. Thank you, Ashok. Oxygen. Glasses. Uh, duck like shoes. <laughs> duck like shoes. Okay. We call them fins, by the way. Web defeat, uh, बोलते हैं एनिमल्स के अंदर इनको फिंस बोलते हैं है ना मास मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर कोई बात नहीं बचा आप लेना बाद में है ना पेंगुइन पेंगुइन बत्तख जैसे फीट लोअर uh, पिता पाइप टू कैरी ऑक्सीजन ओके अच्छा सुनो सुनो पता है वो केवल दो आर नॉट जस्ट ग्लासेस वो पूरा पूरा मास्क है ध्यान से देखो देखो ये तो है वेट सूट सी इसको बोलते हैं वेट सूट ये जो ब्लैक कलर का सूट होता है ना यू माइट हैव सीन मूवीज लाइक जिंदगी में मिलेगी दोबारा है ना डाइविंग करने गए थे वो लोग भी सो so, वेट सूट स्कूबा मास्क फिंस बोलते हैं एयर टैंक बोयेंसी कंपेंसेटर अच्छा एक चीज बताओ लेट मी आस्क यू समथिंग इस पे लिखा हुआ है एयर टैंक ये एयर टैंक है या ऑक्सीजन टैंक है विच इज दिस ऑक्सीजन टैंक और एयर टैंक ओ ब्लैक पैंथर ब्लैक ओ नाइस वेरी गुड ताइर ऑक्सीजन टैंक ऑक्सीजन ऑक्सीजन शकुंध सिंह एयर हां आरो मजा तो आएगा एयर टैंक एयर टैंक कंटेनिंग ऑक्सीजन लिसन लिसन ये दूसरा मिसकनसेप्शन है जो बहुत लोगों को होता है उस टैंक के अंदर ना प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है द एयर वी आर ब्रीदिंग अभी अभी हम जो ब्रीथ कर रहे हैं क्या है उसमें सर ऑक्सीजन सेवेंटी नाइन परसेंट नाइट्रोजन और बाकी वन परसेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं और ऊपर नीचे वन परसेंट में सीओ टू वगैरा होता है तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ना नॉर्मली इट इज दैट एयर कंप्रेस्ड इन दिस टैंक

हुआ इन योर साइकिल टायर इन योर साइकिल टायर देखो एक बात सोचो योर साइकिल टायर लुक्स कितना पतला सा लेकिन उसके अंदर कितना एयर चला जाता है ना, यू जस्ट कीप ऑन फिलिंग द एयर वो एयर अंदर जाके बाहर इतना स्पेस ले रहा है एयर अंदर जाके स्पेस कम 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 लेने लगता है राइट इनसाइड द टायर द एयर स्टार्ट टेकिंग लेस एंड लेस स्पेस बिकॉज यू आर पुशिंग इट

नोटिस नोटिस केयरफुली देखो ध्यान से हम्म hmm. सूट एक तो बहुत टाइट होता है नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है राइट right? है ना इसका काम क्या होता है वाई वाई डू दी स्कूबा डाइवर्स वी आर वेट सूट क्यों क्यों पहनते हैं ये वेट सूट जल्दी बताओ पूर्णिमा वेलकम टू दिस क्वेश्चन डोंट वरी पक्का पक्का प्रॉमिस

Very good. Insulate the swimmers. Ayush, very soon. Airtight. Airtight. Hmm. Okay. Alright, alright. Preventing skin from turning like raisins. Hmm. Good point. Shriya has a very good point actually. protect the skin. Very good. Okay, they go. अब क्या है ना वेट सूट के दो तीन काम है बहुत जरूरी पहला यस एज यू भाई टू प्रिवेंट द द ऑफ ह्यूमन स्किन विद सी नहीं होना चाहिए क्यों भाई बहुत देर कॉन्टैक्ट रहेगा ना सॉल्ट वॉटर क्या है बहुत ज्यादा सॉल्टी है सो इट विल अफेक्ट योर स्किन तो बहुत देर तक आप सॉल्टी वॉटर में अगर आप अपना हाथ डाल के रखोगे इट माइट बिकम लाइक रीजन दैट्स ट्रू ठीक है है ना दैट्स दैट्स फाइन ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है उसके अलावा उसके अलावा कट्स भाई आप नीचे जा रहे हो नीचे क्या होता है बहुत सारे कोरल्स होते हैं या फिर सम प्लांट्स कांटे वाटे हैं सो इट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग कट्स है ना रगड़ जाना घिस जाना इट प्रिवेंट्स फ्रॉम दैट करेक्ट यस क्लियर अच्छा एक बार बताओ क्या वेट सूट प्रेशर भी रेगुलेट करता है यस और नो डेट सूट ऑल्सो रेगुलेट प्रेशर भाई हमको यह तो पता है कि अंदर जाने में ना प्रेशर बढ़ता है आई एल एक्सप्लेन दिस मोर अंदर जाने में क्या प्रेशर बढ़ता है क्या लगता है क्या यह वेट सूट प्रेशर भी रेगुलेट करता है येस और नो वाईज यू मेड ऑफ रबर रबर लिटिक्स इज आई थिंक अटर बेटर वर्ड यस आयुष कल तो सैटरडे है ना हाँ, कलर पे वेलकम पूर्णिमा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट यू नो कलर का डिस्कशन भी होने वाला है इसी सेशन में नो नो सी द द द आंसर इज इज वेट सूट नॉट डिजाइंड टू रेगुलेट प्रेशर उसके लिए एक सूट अलग होता है उसको बोलते हैं ड्राई सूट वो होते हैं मेटल वेटल के होते हैं दिखने में बड़े से होते हैं भारी से होते हैं दे लुक लाइक स्पेस सूट लेकिन ये प्रेशर रेगुलेट नहीं करता ये बाकी सब काम करेगा ठीक है तो ये इसका मतलब दिस सूट इज नॉट मेंट फॉर वेरी डीप डाइविंग बहुत अंदर तक नहीं जा सकते उसको पहन के समझ लो ठीक है अब अगली चीज सर अंदर और बाहर क्या हम तैर के जाएंगे आर वी गोइंग टू स्विम वेरी डीप एंड देन कम अप नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है नहीं ना इतना करने की जरूरत नहीं है राइट right, है ना वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बोसी कॉम्पेंसेटर न सम वन आई नो थोड़ा सा हाई लेवल है बिकॉज दिस इज इन क्लास नाइन्थ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है बॉयसी क्या होता है वॉट इज बॉयसी कोई बताएगा वट इज बोएंसी बॉयसी बोन्सी हा येस बॉइंट फोर से रिलेटेड है Upward force by liquid. Okay, very good. Bouncy? No, 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 no. Buoyancy. B u o y a n c y. Buoyancy. Ability of something to float in water. Upward force of water. Yes, yes. Okay. Yes, I can see all your answers. Very good. Substance that makes you uplifted. All right, all right. Interesting answer. Very good. Tendency to float. Ability. No, 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 no. Ah, okay. Very good. Buoyancy. Ha. Listen, 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 listen. राइट यूर राइट यूर राइट देखो बोएसी पता है क्या कुछ नहीं है कितने लोगों ने अब अगर देखो शावर से नहाते हो तो अलग बात है बाल्टी में नहाते हो कितने लोगों ने ये काम किया है कभी ना कभी यू हैव टेकन अ मग है ना मग का जो होता है उसको पानी भी उल्टा डाला है और जोर लगा के दबाने की कोशिश करिए कितने लोगों ने किया हाउ यू 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 हैव 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 ट्राइड दिस दिस दैट दैट टेकन टेकन प्लास्टिक मग सर इज आई डन मग

है ना भाई ठीक है वेरी गुड नाउ यू गोट द साइंस बिहाइंड इट वेरी गुड नाइस है ना सो so, बॉयसी तो हो गया वो चीज कॉम्पेंसेटर समथिंग विच कैन चेंज द बॉयंसी एक तरह से यू कैन चेंज है ना तो पता है buoyancy compensator क्या होता है ये चीज एक्सेल में दिखाई गई थी एक ऐसे जैकेट जैसी होती है लाइफ जैकेट देखिए कितने लोगों ने हाउ मेनी ऑफ यू सीन लाइफ जैकेट ये बताओ लक्ष्मी एलकम टू दिस क्वेश्चन डोट वरी डोट वरीकेट नो एटलीस्ट एनी वेयर दरेंज कलर लाइफ जैकेट पीपल देर द लाइफ जैकेट एंड देन गो इन टू दी और पानी और रिवर टैंक है ना हेलो हे राजेश राइट या फिर स्विमिंग करते हुए जो रबर के ट्यूब होते हैं ऑल दो रबर ट्यूब फ्लोट है ना रबर का ट्यूब जो है वो फ्लोट करता है अगर मैं उसकी हवा निकाल दू तो क्या होगा इफ आई take out the air from that rubber tube what will happen push <laughs> like rubber ducks. ha yes what will happen kya hoga sink hai na to ek cheez hai agar main us rubber tube ke andar jaane wali hawa if i can control the amount of air going inside that rubber tube आई कैन मेक इट फ्लोट ऑल्सो एंड सिंक ऑल्सो सिमिलरली वीव दिस कंपनसेटर एक जैकेट होती है पता है क्या होता है उस जैकेट के अंदर हवा भर सकते हो अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा एनी बॉडी इफ आई फिल इन दिस जैकेट द जैकेट वी कॉल इट द बोएंसी कंपेंसेटर इफ आई फिल एयर इंटू द जैकेट मैं पानी में ऊपर आऊंगा कि नीचे जाऊंगा आई विल सिंकोट फ्लोट वेरी गुड है ना अगर जैकेट में हवा भरेंगे तो हम हो जाएंगे फ्लोट अगर जैकेट की हवा कम कर देंगे हम हो जाएंगे सिंक है ना भाई सिंपल इतना ही है करेक्ट बस इतनी सी बात है उसको बोलते हैं कंपेंसेटर, बहुत हाई फाई नाम है काम बहुत आसान है राइट वेरी गुड नाइस चलो तो जो जो डाइवर है उसका वजन तो नीचे काम करता है और वाटर लगाता है ऊपर की तरफ फोर्स उसको बोलते हैं बोएसी बहुत बढ़िया अब अंडर वाटर कम्युनिकेशन पे बात करते हैं जरा वाई बिकॉज लेस एयर का ना डेंसिटी कम होता है आप अगर एयर निकाल दोगे तो आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा आप नीचे आ जाओगे सिंपल चलो अंडर वाटर कम्युनिकेशन एक बात बताओ अंदर वो लोग बात कैसे करते हैं पानी के अंदर कैसे बात करते होंगे क्या आप बात कर सकते हो पानी में Can you talk inside water? Dar huntar lakta obviously. Deepest diver, there is a record of I think 1009 feet. Ultrasonic. Hello, Aryan. Yes. Waterproof phone. Sign lang. Oh nice! Sign lang. Isharome. Isharom. Yes, you know what? इशारों में. ठीक है? देखो अंडर वॉटर लैंग्वेज की बात करते हैं अगर वॉटर लैंग्वेज इज समथिंग विच अगर आप सीखने जाओगे ना स्कूबाई कैन टॉक टू यू इन दीज साइन लैंग्वेज ठीक है यस yes. है ना हा साकेतिक भाषा बीच इज और आई लाइक बोथ एक्चुअली आई लाइक बोथ राइट वेरी गुड फिंगर साइंस है ना ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं अच्छा गैस करोगे डू यू वॉन्ट टू गैस इसका मतलब क्या होता होगा मस्त लग रहे हो नहीं वॉट इज इसका क्या मतलब होता होगा वॉट डज दिस मीन गैस करते हैं एक बार इसका क्या मतलब होता होगा डम शराब नाइस वन ओके हाँ फाइन आई एम गुड अच्छा वॉट इसका मतलब क्या होता होगा वॉट डू थिंक दिस वुड मीन फिश इज ब्यूटिफुल क्या फिश है वॉट डज दिस मीन सब बढ़िया सब बढ़िया ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऊपर जाना है ऊपर ah, जाना है ओके okay. <laughs> शार्क शार्क इज <is> ब्यूटिफुल <laughs> और ये वॉट डज दिस मीन दिस मीन्स गोइंग डाउन है ना पता तुमको टेल यू सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसमें होता है वेन यू आर डूइंग स्कूबा डाइविंग ना हमको हम भूल जाते हैं ओके मीनस दिस और दिस बिकॉज नॉर्मली इन आर है ना वेन यूर टॉकिंग टू आर फ्रेंड्स कोई बोले क्या हाल है बढ़िया हम ये नहीं बोलते बढ़िया हम बोलते हैं बढ़िया सो so, ऐसी अगर वन यूर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर टेल्स यू ना आपका ड्राइविंग बोलता है आपको हाँ भाई बढ़िया बढ़िया वो बोलता है ऊपर जाना तुमको नहीं 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 मतलब तो नीचे जाना तुमको नहीं नहीं तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है सो दिस इज ओके दिस इज गोइंग अप दिस गोइंग डाउन ठीक है सिंपल साइंस है भाई <laughs> मछली गंदी या आई आई नो नो दैट्स अ बिट कंफ्यूजिंग सो दिस इज गोइंग डाउन इसका मतलब है गोइंग डाउन मछली गंदी है नहीं बोल रहे हम ठीक है शा, शार्क इज बैड दिस इज ओके ओके ठीक है अब से

आर टू चेक हा सृष्टि है ना उनको पता होगा यू यूर राइट जस्ट फोर साइंस करेक्ट हाँ वेरी गुड चलो अच्छा चलो एक चीज एक चीज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज अ क्वेश्चन अ क्वेश्चन हु विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर जैक और जॉन देखो ये दो लोग हैं जैक और जॉन क्या लगता है ज्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा स्टॉप विक्ट्री

और जॉन पे कम है सो so, इससे क्या समझ में आता है एज यू गो डीप 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 द प्रेशर इंक्रीजेस और प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है आई टेल यू ठीक है सो so, और हर तरफ से प्रेशर है सो इफ यू जस्ट इफ आई टेल यू नंबर में भाई सी लेवल पे कितना प्रेशर है जल्दी बताओ ऑन सी लेवल वेन यू आर एट सी लेवल हम पे कितना प्रेशर होता है काम चला हुआ पास्कल सी टेन टू पावर ऑफ फाइव पास्कल्स एंड वन एटमॉस्फेयर वी कॉल इट है ना वन एटमॉस्फेयर सो हम लोगों पे नॉर्मली एट सी लेवल होता है प्रेशर वन एटमोस्फेयर जो कि इट्स इक्विवेलेंट टू थ्री और फोर एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ यू हमको फील नहीं होता बिकॉज हमारी बॉडी आउटसाइड में ब्लड वेसल्स बॉडी बनी हुई है इस तरह से कि वो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो सस्टेन कर सकती है बड़े आराम से कोई दिक्कत नहीं होता हमको है ना यस एट एवरी थर्टी थ्री फीट ऑफ सॉल्ट वाटर वन एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस ठीक है हर थर्टी थ्री फीट वन थर्टी एवरी थर्टी थ्री फीट यू गो डाउन आपके ऊपर वन एटमोसफेयर वन एटमोसफेयर वन एटमोसफेयर एड होता चला जाएगा प्रेशर राइट right? ये अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओके okay? अच्छा एक चीज और एक और चीज आई डोंट नो पीपल सम ऑफ यू माइट माइट हैव नो अबाउट दिस ब्रीद कंटिन्यूअसली वाइल ऑन स्कूबा एंड नेवर होल्ड योर ब्रेथ क्या लगता है क्यों बोलते होंगे ये कि भाई सांस कभी नहीं रोकना चाहिए आप जब सांस लेते हो ना अपने एयर टैंक से सांस नहीं रोकना कभी भी क्यों क्यों बोलते होंगे बट वाई दे बिकॉज द वॉटर वेट इज इंक्रीजिंग ऑन टॉप ऑफ यू नो एज यू गो डीप एंड डीप एंड डीप लॉट ऑफ वाटर स्टार्ट अक्यूलेटिंग ऑन टॉप ऑफ यू उसका वेट की वजह से डूब जाएंगे डूब जाएंगे ओके बिकॉज द कैप विल गो हाँ मजे तो आते हैं सृष्टि ओके नहीं देखो अब सुनो 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 आप सोचो हमारी बॉडी है है ना अब हमारी बॉडी क्या है कि भाई है तो फ्लैश एंड बोन्स एंड मसल्स ना व्हेन यू गो डाउन तो ऊपर से इतना प्रेशर पड़ता है कि हमारे लंग्स क्या है थोड़े छोटे हो जाते हैं राइट right? लंग्स थोड़े छोटे हो जाते हैं लेकिन हमारी क्या है हम तो सांस लेते रहते हैं वी कीप ब्रीदिंग लंग्स छोटे होंगे तो आप निकाल दोगे उसके अलावा अगर आप ऊपर आओगे तो क्या होगा लंग्स एक्सपैंड भी करेंगे अंदर सांस खींचेंगे तो इसीलिए इफ यू इफ यू जस्ट होल्ड योर होल्ड योर एयर नो तो लंग्स के अंदर ब्लीडिंग होने का चांस रहता है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी ना सांस रोकना नहीं चाहिए जस्ट कीप ब्रीथिंग कीप ब्रीथिंग क्योंकि आपके बॉडी और लंग्स और हर एक स्ट्रक्चर प्रेशर की वजह से बड़ा और ऐसे ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ठीक है दैट्स वाई ये तो रिस्क लग देखो 133 फीट तक तो बहुत आराम से जाते हैं लोग उसमें ना जो हमारे मस्ती वाले होते हैं बहुत डीप नहीं लेके जाते हैं हमको प्रोफेशनल्स की बात हो रही है उतना डीप हमको लेके नहीं जाएंगे सबको पता है कि हम नए हैं जान का खतरा भी है तो इनको ना थोड़ा हल्का हल्का ही कराओ तो इसीलिए हमको हल्का हल्का कराया जाता है राइट right? ओके okay, चलो एक क्वेश्चन और यस yes, अब तो डर लग रहा है अरे नहीं डरने की जरूरत नहीं है सी इंस्ट्रक्टर्स आर प्रेटी गुड दे ऑलवेज एक्सप्लेन नाइसली टू यू कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है चलो कमाल कुमार ये द ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी फास्टर फ्रॉम कहां से कहां हीट ज्यादा तेजी से होगा डाइवर टू वॉटर डाइवर टू एयर या वॉटर टू ड्राइवर सॉरी डाइवर ए राइट सही बात है भाई हमारी बॉडी क्या है हाई टेम्परेचर पे है ओशन का जो पानी है जितना नीचे जाएंगे वहां पानी में क्या है थोड़ा ठंडा होता है तो हमारी बॉडी से हीट जल्दी लूज होगा वाटर में यस yes. और एक्चुअल में एक अच्छा सा फैक्ट बताऊं वॉटर एब्जॉर्ब बॉडी हीट ट्वेंटी फाइव टाइम्स फास्टर देन एयर यस तो पानी क्या है ना आपकी बॉडी से हीट खींचता है इसीलिए हमको वेट सूट चाहिए हमारी बॉडी से हीट लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते ओके okay, चलो एक एक क्वेश्चन और यस यूर राइट चैतन्य या आई नो आई नो आई सेट ड्राइवर ठीक है अच्छा सुनो एक क्वेश्चन और मान लेते हैं मान लेते हैं आप डीप सी में गए है ना इफ लेट से यू डाइव इन टू द ओशन मान लेते हैं हाइपोथेटिकल है, से है ना सुनो मान लेते हैं कि ऑल ऑफ यू डाइव और नीचे नीचे आप रेड कलर की टी शर्ट पहन गए मान लो मान लो इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वो कैसी दिखेगी अरे वाह यश वेरी गुड यस How will that red T-shirt look? <laughs> Purple. Black. Mm. <laughs> no. <laughs> nice. Very good. See, this is this is. I'm coming to the color wala portion. You were asking, no? You were asking about colors. I'll tell you. कलर्स डिसअपियर एट डेप्थ सो यू आर राइट यू आर राइट इफ यू गो डीपर इन द ओशन इट वॉन्ट बी रेड इट विल लुक डिफरेंट इन कलर कौन सा कलर आल टल यू टल यू देखो अब एक चीज नोटिस किया है सब ने हम जब भी ओशन की बात करते हैं एंड वेन एवर लेट से यू गो डीप इन टू द ओशन चीजें हमेशा ब्लू ही दिखती हैं नोटिस किया है चीजें ना हमेशा ब्लू ब्लू दिखती हैं ब्लू इश ब्लू इश ब्लू इश है ना यस करेक्ट टाइम गुड केशअपाई यू राइट right? करेक्ट क्यों सर ध्यान से देखो ये स्टार्टिंग में यही क्लिप चलाया था मैंने राइट एवरीथिंग इज ब्लू ग्रीन डीप अंडर वॉटर इन द स्टार्टिंग आई शोड यू दिस क्लिप ओनली है ना मैंने ये दिखाया था किसी ने नोटिस किया था कि जो फिशेज हैं फिशेज का कलर देखो इधर उधर देखो कुछ भी देखोगे आपको दिख रहा है केवल ब्लू ग्रीन इसके अलावा कलर ही नहीं दिख रहे हल्का सा येल्लो दिखा है हल्का सा राइट फिशिज आर ऑल्सो लुकिंग डार्क करेक्ट अच्छा नहीं भी हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सिनेरियो आई टोल्ड यू है ना जस्ट अज्यूम नहीं दिख रहा ना फिशेज वगैरह सब कैसी दिख रही है डिफरेंट कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस की वोट ऑन ट्राइंग टू शो यू ओवर हेर हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस दिख रहा है ना ये चीज सर फिशेस का कलर अलग दिख रहा है कैसी लग रही है फिश ब्लैक एंड व्हाइट सी राइट है ना यस डार्क कलर की दिख रही है राइट right? यस yes. यही चीज है दिस इज वॉट एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओशन के अंदर चीजें ब्लू क्यों दिखती हैं लिसन देखो जो ओशन है ना इट हैज अ टेंडेंसी जो वॉटर है बेसिकली इट टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब अब व्हाइट लाइट है व्हाइट लाइट तो व्हाइट प्योर व्हाइट नहीं है ना उसके अंदरेंट कल वॉयलेट इंडिगो विब गो ऑरेंज रेड तो विब ग्योर ये सब कलर होते हैं इसके अंदर ये जो है ना रेड से लेके वॉयलेट सो so, वॉटर की टेंडेंसी है वो पहले रेड को एब्सॉर्ब करेगा उसके बाद ऑरेंज को फिर येल्लो को फिर ग्रीन को लास्ट में पता है क्या बचेगा सबसे लास्ट में कौन ऑब्जॉर्ब होगा ब्लू सबसे लास्ट में ये नीचे वाले बचेंगे यस बटरफ्लाई फिश भी डार्क रहेगा यस राइट। करेक्ट सो जिनकी वेवलेंथ ये तो पता है कितने लोगों को ये बात पता है कि सर रेड और ब्लू में या फिर रेड और वॉयलेट में वेवलेंथ ज्यादा किसकी है चैतन्य इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ टेल यू टेल यू यस, है ना अरे रोहन, बिल्कुल ज्यादा किसकी होती है सी वेवलेंथ नो वेवलेंथ इज मोर फॉर रेड इफ आई टॉक अबाउट विबग्योर राइट इन विबग्योर रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड वॉयलेट हैज लीस्ट वेवलेंथ। तो हायर वेवलेंथ की जो है ना कलर्स उनको एब्जॉर्ब वाटर पहले करता है वॉटर एब्जॉर्ब हायर वेबलैंड कलर्स फर्स्ट यानी कि पानी के जस्ट नीचे हमको दिखेगा सब कुछ थोड़ा और नीचे जाएंगे तो रेड दिखना बंद हो जाएगा और नीचे जाएंगे ऑरेंज भी बंद हो जाएगा और नीचे येलो। उसके बाद ग्रीन उसके बाद ब्लू तो ब्लू आ, ब्लू इंडिगो वॉयलेट ये कलर्स ऐसे हैं जो बहुत लेट तक दिखते हैं राइट सो अंडरस्टैंडिंग दिस इसीलिए आपकी रेड नहीं दिखेगी वो ब्लैक दिखेगी रेड इज द द आंसर फॉर दिस हैव लीस्ट एनर्जी नो लेस एनर्जी दे गेट एब्जॉर्ब फर्स्ट अब इसके अंदर फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा वो absorption और एमिशन स्पेक्ट्रम की बात आ जाएगी बट टिल आई वुड जस्ट एक्सप्लेन यू जिनकी एनर्जी कम है वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे ठीक है है ना सोनम ठीक है चलो सो so, आपकी रेड टी शर्ट रेड नहीं लगेगी सोचो

स्कूबा डाइवर द ऑब्जेक्ट अंडर वॉटर may अपियर बिगर देन their एक्चुअल साइज ड्यू टू ये छोटा सा बात है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैं सिखाऊंगा नहीं अभी पूछ रहा हूं बस चोट लग सकती है कि अगर बहुत शार्प कट लग जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मेरे पास एक कुछ है एक बार बताओ कितने लोग को ये नींबू दिख रहा है यू सी दिस लेम साइज दिख रहा है इसका यू कैन सी द साइज ऑफ द लेमन नो राइट है ना अब ध्यान से देखो इस लेमन को मैं अंदर डालूंगा ना यहाँ सू मिट नो दिख रहा है स्मॉल लेमन जिसमें बिका रुको 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 अरे बड़ा बड़ा कर रहे मैं रुको Movies में हाँ मूवीज में कलर दिखाते हैं उधर यू आर राइट गुड पॉइंट थोड़ा सा साइंटिफिकली गलत है वो साइड में करूं अरे नहीं साइड में पता क्या होगा साइड में ऐसा हो जाएगा चलो ठीक है दिख रहा है लेमन दिख रहा है अब देखो ध्यान से ऊपर में लेमन इतना बड़ा है अंदर में अंदर में बड़ा लग रहा है राइट इनसाइड द वॉटर द लेमन इज लुकिंग बिग करेक्ट है ना

कि वेयरिंग फ्लैट स्कूबा मास ऑब्जेक्ट अंडर वाटर थर्टी फोर परसेंट बिगर एंड ट्वेंटी हमको चीजें पता है क्या थर्टी फोर परसेंट बड़ी दिखती हैं है. ऐसा होता है नीचे स्कूबा डाइविंग करते हुए उस ग्लासेस के साथ ठीक है चलो लेट्स गो बैक लेट्स गो बैक वापिस चलते हैं असेंड स्लोली फ्रॉम एवरी डाइव एक चीज जो हर स्कूबा डाइवर को बोली जाती है सबसे इंपॉर्टेंट वो है भाई नीचे जाते हुए तो ठीक है आप जब डाइव कर रहे हो ना नीचे नीचे दैट इज फाइन ऊपर आते हुए आराम से आना आई टेल यू एक एक कहानी बताता हूं मैं वाई डू वेयर बिकॉज यू नो सॉल्ट ग्लाटर ओशन वॉटर इट इल जस्ट रीच आईज नो सो यू हैव दीज ग्लासेस सो दैट इट टच कम इन कॉन्टेक्ट विद योर आईज ओके एक एक चीज एक कहानी सुनो एक रिकॉर्ड बना था देर वॉज अ रिकॉर्ड विच फॉर डाइविंग सो द पर्सन डाइव टू आई थिंक वन थाउजेंड नाइन फीट 1,009 फीट का डाइव किया अंदर जाने में लगे 15 मिनट बाहर आने में लगाए उन्होंने 15 घंटे (15 आवर्स हाँ सिलेंडर चेंज करते रहे दैट्स दैट्स फाइन है ना और टीम भी थी लेकिन ऊपर आना इतना स्लोली स्लोली जरूरी है नीचे जल्दी जा सकते हो पता है क्यों क्यों? क्यों? मरीना ट्रेंच Why can't we ascend fast while diving? Yes, ऊपर आना हल्के हल्के ही पड़ता है बहुत जरूरी है It's very important. क्योंकि बहुत बहुत बुरी बुरी चीजें हो सकती हैं Yes, please वैष्णवी Because of pressure, you are right. You know what? What happens? हम जब ऊपर आते हैं ना हमारे lungs बहुत speed से speed से फैलते हैं Because of pressure. Yes, you are right. Yes, you are right, sunshine. है ना, so, speed से फैलते हैं so, you know, हमारी में क्या-क्या हो -क्या हो सकता है, है, पड़ सकते हैं, एक एक something called as decompression sickness, जहां पर हमारे लंग्स के अंदर bleeding हो सकती है, और वर्स्ट में डेथ भी हो सकती है तो इसीलिए बहुत gradually हमको ऊपर आना होता है, बहुत हल्के हल्के सांस लेते हुए सांस लेते हुए इंजरीज yes, पड़ सकते हैं मतलब इंटरनल कट्स एंड इंजरीज हो सकता है राइट वेरी गुड सो द ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है विच एवरी डाइवर विल टेल यू कि भाई ऊपर जब आओगे ना तो आराम से आना ठीक है डी कंप्रेशन सिकनेस कभी इसके बारे में सर्च मारना यू विल गेट टू नो अरे बहुत इट्स इट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ओके हाँ इट्स आई थिंक टेन मोर देन टेन किलोमीटर राइट हेलो जीरो जीरो वन वन थर्टी थ्री फीट पर भी हा वहां पर भी है जिमर यस yes. एकदम से ऊपर नहीं आना तो डाइवर विल टेल यू कि एकदम से नहीं लाते मतलब इतना टाइम भी नहीं लगाते लेकिन हाँ धीरे धीरे लाते ठीक है सिम्टम्स क्या होते हैं पता है सिकनेस के फटीग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डबल विजन चक्कर आना और वर्स्ट केस में डेथ भी हो सकती है भाई ठीक है राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड है ना सो एप्लीकेशन ऑफ अंडर वॉटर डाइविंग अब क्यों करते हैं एप्लीकेशन क्या है क्यों करते हैं मजे के लिए टेल मी कम भाई और भी काम है राइट right? एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए मिलिट्री और एक्चुअल में अंडर वाटर डाइविंग चालू हुआ था मिलिट्री पर्पज से दैट्स समथिंग इट्स a नाइस फैक्ट आई एम टेलिंग यू स्टार्टिंग हुई थी मिलिट्री पर्पज के लिए लेकिन हाँ एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंड मिलिट्री पर्पजेज अब एक क्वेश्चन सर हमने इतना कुछ सुन लिया बच्चे कर सकते हैं ये जल्दी बताओ मिनिमम कितने बड़े बच्चे होने चाहिए इसको करने के लिए पूर्णिमा आउटर कट्स कैन भी प्लांट्स एंड फ्लोरा एंड फोना लेकिन इंटरनल कट्स कैन भी बिकॉज ऑफ सच रैपिड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन 18 ईयर्स 15 ईयर्स यू कैन लर्न टू डाइव एज यंग एज एट आठ साल कितने बड़े हो तुम कर सकते एलिजिबल हो डाइविंग के लिए एलिजिबल हो यू कैन लर्न टू डाइव एज यंग एज एट इफ यू आर एबल टू मैनेज द वेट ऑफ द इक्विपमेंट अगर आप इक्विपमेंट का वेट उठा सकते हो हवा में और आप आठ साल से ऊपर हो यानी कि आप एलिजिबल हो है ना यस नहींट एट यस एलिजिबल हो हाँ आप भी एलिजिबल हो वाई वी कम अप सो स्लोली वी कम अपनी बिकॉज ंगस विल गेट टाइम टू एडजस्ट है ना द एयर कैन गो आउट स्लोली इस तरह से हाँ आप सब एलिजी बिलो भाई ओके वेरी गुड पूर्णिमा ठीक है यस सर गाइज आई होप यू अंडरस्टुड और यू एक्सप्लोर द अंडर वॉटर वर्ल्ड देखो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की हैं मैंने तुमको हिंड दिया है आज डोंट वरी बॉयसी क्लास नाइन में पढ़ोगे लाइट के बारे में क्लास टेन में पढ़ोगे रिफ्रैक्शन पढ़ोगे आराम से ठीक है yes. यस स्विमिंग सीखो मैं भी बोल रहा हूँ लोगों को स्विमिंग सीखने के लिए यस ऑल राइट ऑल राइट विद एनिथिंग टू यीज करना है ऑल राइट पीपल वी है देखो आज का सेशन था मस्ती के लिए सीखने के लिए हमने बहुत किया अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है स्विमिंग सीखना है सीखो और डाइविंग के लिए ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल राइट एंड हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट अपडेट प्ले लिस्ट अपडेट हुई है तुम्हारे लिए ठीक है ऑन योर चैनल यू कैन बस इतना ही है मेरे पास यस दैट इज द जोक विच आई कैन टेल यू लोग हंसते हैं मेरे पे तुमको स्विमिंग नहीं आती ऑल राइट right! चलो भाई इंग्लिश सीखना है तो देख लेना ये, को, ये अच्छा कोर्स है आई वुड से

बता दिया मैंने जो वही था चलो गाइज मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन इफ यू लर्न समथिंग न्यू इफ इट वॉज इंटरेस्टिंग टीम ने बहुत मेहनत किया ये सारी फुटेज ये सारी क्लिपिंग्स निकालना ये सब इतना बहुत मेहनत लगता है इन सेशन को बनाने में राइट आई नो यू वुड अग्री तो इतनी मेहनत हुई है थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को है ना ये पता है तुमको ये ये पीपीटी कितनी थी ये एक जीबी की पीपीटी बनी हुई थी सो आई एम टेलिंग यू मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट द टीम कैसे करोगे लाइक like करके कमेंट करके कमेंट करके बताओ कैसा लगा कोई आइडिया दो कोई नई चीज सीखना चाहते हो राइट जस्ट गिव दिस हा डर नहीं लगता नहीं नहीं डर के आगे जीत है ठीक है सो मेक श्योर यू लाइक मेक श्योर यू कॉमेंट यू टेल हाउ हाउ सेशन वॉट एल्स यू वॉन्ट कैसी मेहनत लगी टीम की ठीक है शेयर करो लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब करो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इफ यू आर समू ठीक है यस वाई टेक लॉन्गर फॉर सी टू हीट अपन एयर हु बिकॉज वॉटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई नो ये येवी वर्ड है आगे आएगा डोंट वरी मैं भी ये बता सकता हूं चलो बच्चों अंकिता नाम का सेशन भी आप लोग के साथ ना सी यू टेक केयर लाइक शेयर करना मत भूलना ठीक है चलो बाय